नागपुर महानगर पालिका की नाक के नीचे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ऐसा आरोप शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका का सिक्योरिटी गार्ड घोटाला उजागर करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, जिसके बाद कई सुरक्षा कर्मियों ने मुझे इस संदर्भ में और जानकारी दी, जिससे ये साबित होता है कि मनपा की नाक के नीचे एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आश्वासित किया और कहा कि मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं नितिन तिवारी, शिवसेना शहर प्रमुख। दो दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड घोटाला, नागपुर महानगर पालिका का सिक्योरिटी गार्ड वेतन घोटाला, इसको उजागर करने के लिए एक वीडियो डाला था। वीडियो को देखकर कई सुरक्षा कर्मी मेरे पास आए और उन्होंने बताया। उसके बाद मुझे पता चला कि जिस मामले को मैंने उठाया हूं वो सिर्फ पूंछ है, हाथी बाकी है। नागपुर महानगर पालिका ने विभिन्न स्थानों की सुरक्षा के लिए ठेका 4 एजेंसियों को दिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, यूनिटी सिक्योरिटी, सुपर सिक्योरिटी और किशोर एजेंसी। इनके तकरीबन 125 गार्ड नागपुर के विभिन्न पॉइंटों पर नागपुर की सुरक्षा कर रहे हैं और मेरे पास पूरे सबूत हैं। इस नागपुर की सुरक्षा करते समय इन गार्डों का दोहन हो रहा है। नियमानुसार नागपुर महानगर पालिका तकरीबन 22,000 रुपए पेमेंट सिक्योरिटी एजेंसियों में सुरक्षा गार्डों के नाम पर डाल रही है। सुरक्षा गार्डों पर वेतन के रूप में उनके खाते में मात्र 15,000 रुपए मिल रहे हैं। वो 15,000 मिलने के बाद डराकर, धमकाकर अधिकारियों के साथ, नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ, ये सुपरवाइजर, इन कंपनियों के चारों एजेंसियों के सुपरवाइजर आते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसा वसूल करके 7,000 रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। मतलब सिर्फ 8,000 और 9,000 और 10,000 में गार्ड नौकरी कर रहा है विभिन्न एजेंसियों में। मुझे ये बताइए, इस कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य संपादन करने वाले, नागपुर की सुरक्षा करने वाले, नागपुर के सपूत ये सुरक्षा गार्ड की आज ये दयनीय हालत है। नागपुर महानगर पालिका के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। इस घोटाले की फाइल मेरे पास है। मैं प्रत्येक सुरक्षा कर्मी गार्डो को सचेत करने के लिए, उनको जिंदा करने के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए वीडियो डाल रहा हूं। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी, इन चारों एजेंसियों का जो भी सुरक्षा कर्मी है, जो भी गार्ड है, आप अपनी लड़ाई से घबराओ मत। आपके साथ जो भी अन्याय होगा, आप शिवसेना के साथ खड़े रहो। यदि किसी को वेतन मिले हुए वेतन में से नगद पैसे देने की जरूरत नहीं है, यदि कोई आपको निकालता है, आपको धमकाता है, आधी रात को मेरे मोबाइल नंबर 9325375233 पे फोन करो। प्रत्येक शाखा प्रमुख को आप शिवसेना के मिलो, हम आपका मामला पुलिस तक पहुंचाएंगे, इनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आंदोलन का आगाज हो चुका है। 2-3 में नागपुर महानगर पालिका में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी गार्ड कर्मी, मैं आपको बोलता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप साथ में आओ, लड़ाई हम जीतेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।